बहुत अंधकार बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, एजुकेशन में बच्चे पीछे होते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत आगे बढ़े और ये सिवान जिला आपका है और हमेशा इस सिवान जिला को आगे बढ़ाने में एक एक कड़ी सभी ने मदद की है। आगे सोचना है, कुछ करना है तो अपने ज़िले के लिए करना है, अपने गांव के लिए करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ी सोचें कि इस बार चुनाव में हम लोगों को क्या करना है। मैं तो आ जीतूँ या ना जीतूँ, मगर मैं आपके बीच हमेशा दुख सुख में आती रहूँगी, जाती रहूँगी। मैं, मेरा यही समाज सेवा है, मैं इसी के लिए। नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक एक लोगों को गांव गांव घर घर से निकाल कर, खासकर हमारी बूढ़ी माओं को, हमारी बहनों को वहां पहुंचाएंगे बूथ पर और वोट दिलवाएंगे। नौजवान दीना साहब जिंदाबाद, 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 दीना साहब जिंदाबाद, 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 साहब जिंदाबाद, 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 साहब जिंदाबाद, 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 साहब जिंदाबाद, 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 साहब जिंदाबाद, 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 साहब 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 जिंदाबाद, 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 साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, हम लोग आज बोले था कि बालचंद हाता में पहुंचे हैं, जो संचालन कर रहे हैं परवेज जी, यहाँ के पूर्व मुखिया रविंद्र पांडे जी और देवेंद्र भगत जी, प्रभुनाथ कुशवाहा जी, विजय मोतीलाल शाह जी, सरपंच जी, सभी ने, सभी को मैं यहाँ पर आए हुए सभी बड़े बुजुर्ग और सभी नौजवान, सभी भाई बंधु को मेरे साथ, सभी लोग जो सिवान से चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, मैं सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। बात क्या कहनी है, अब सरपंच जी ने सारी बातें कह दी कि हम लोगों को अगर कुछ सोचना है तो अपने ज़िले के बारे में सोचना है, कुछ करना है तो अपने ज़िले के लिए करना है, अपने गांव के लिए करना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ी सोचें कि इस बार चुनाव में हम लोगों को क्या करना है। मैं तो आती रहूँगी, मैं तो हमेशा आपकी हूँ और आपकी ही बनकर रहूँगी, चाहे मैं चुनाव जीतूं या ना जीतूं, मगर मैं आपके बीच हमेशा दुख सुख में आती रहूँगी, जाती रहूँगी। मैं, मेरा यही समाज सेवा है, मैं इसी के लिए मैं घर से बाहर निकली हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस बार चुनाव आप लोग अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, गांव का एक एक बूथ जो आप लोगों के वोट से होगा, पूरा होगा, उसको आप लोग पूरी करने की कोशिश करेंगे। और जो यहाँ पे नौजवान सदस्य हैं, नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो एक एक लोगों को गांव गांव घर घर से निकाल कर, खासकर हमारी बूढ़ी माओं को, हमारी बहनों को वहाँ पहुँचाएंगे बूथ पर और वोट दिलवाएंगे। नौजवान शक्ति जब एक हो जाएगी तो ये चुनाव जब हम लोग जीतेंगे तो ये चुनाव का शेर जो है वो
हमारे नौजवानों के सर बंधेगा, क्योंकि हम सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचते हैं, उनके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, उनके रोज़गार के बारे में सोचते हैं कि इन लोगों के आगे का भविष्य जो उज्जवल हो। जो हमें लग रहा है कि बहुत अंधकार बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, एजुकेशन में बच्चे पीछे होते जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग बहुत आगे बढ़ें। और ये सिवान ज़िला आपका है और हमेशा इस सिवान ज़िला को आगे बढ़ाने में एक एक कड़ी सभी ने मदद की है। आगे आप नौजवान बढ़ें और मदद करें, मैं आपके साथ रहूँगी और हर दुख सुख हम लोग मिलकर बांटेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को पूरी करती हूँ। बहुत लोग आएंगे जाएंगे भैया बंधु लोग, लेकिन आप लोग दिल से सोचिएगा एक बार। थैंक यू।